लिंग का नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लिंग की लंबाई के बारे में और गोलाई के बारे में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बहुत लोगों के सवाल आते रहते हैं। हर 3-4 फोन के बाद में एक फोन हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि भाई लिंग छोटा है, दुबला है, पतला है, कमजोर है, लंबाई कम है, गोलाई में कम है और हमको लिंग का साइज बड़ा करने का है। अब ये आया कहाँ से? ये आया है पॉर्न मूवी देख के या एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को चिढ़ा कर। क्या है कि जवान बच्चे देखते हैं पॉर्न मूवीज और पॉर्न मूवी में रहते हैं एक्ट्रेस। एक्ट्रेस चुने जाते हैं स्पेशली वो पॉपुलेशन से कि जो पॉपुलेशन में लिंग बहुत लंबा है। फिर ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें लिंग बड़ा है या लंबाई में ज़्यादा है? तो 1000 में से करीब करीब 7 लोगों का लिंग लंबा रहता है, 6 इंच 7 इंच रहता है। फिर ऐसे जो लोग हैं उनको एक्टर करके चुना जाता है, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, गोलियां दी जाती है। वैसे ही नेचुरली उनका साइज जो है लंबाई ज़्यादा रहती है, गोलाई ज़्यादा रहती है और इंजेक्शन गोलियां देके और लंबा किया जाता है, शूटिंग किया जाता है और वो आधा आधा एक एक घंटा दो दो घंटे वो सेक्स करते हुए बताते रहते हैं। अब वो देख के लोगों को लगता है कि अपना छोटा हो गया। नंबर एक वो एक कारण है छोटा लगने का, अदरवाइज छोटा रहता नहीं है। हम हरदम बोलते हैं कि यदि लिंग लूज है, लैक्स है, रिलैक्स है तो 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए या 1.5 इंच से मैक्सिमम, मतलब 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 1 से 1.5 इंच रहा तो ठीक है, 1 इंच से कम है तो प्रॉब्लम है। और वो इरेक्ट जब होता है तो 3 इंच से कम है तो प्रॉब्लम है। तो इरेक्शन में जब टाइट होता है, खड़ा होता है तो 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए और जब लैक्स है तो 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। गोलाई में भी ऐसी है, जब लैग्स है तो 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए और लंबाई हुई है मतलब इरेक्ट हुआ है तो 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्टडी करके किया गया है कि एवरेज लंबाई कितनी होती है, गोलाई कितनी होती है। फिर लोगों को लगता है कि आजकल मेरा कम हो गया, पहले ज़्यादा था अभी कम हो गया, ऐसा करके लोग आते हैं। तो इसका कारण बताता हूँ कि पहले जो है 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये जो कार्यकाल है आयुष्मान, इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा रहती है, अपोजिट से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़ा भी विचार किया, थोड़ा धक्का लग गया, थोड़ी नज़रों के सामने कोई लेडी आ गई तो एकदम इरेक्शन होना शुरू हो जाता है और काफ़ी समय तक दिन भर में काफ़ी बार वो इरेक्ट होते रहता है और उसको लंबा दिखाई देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है स्पॉन्टेनियस इरेक्शन जो है, ऑटोमेटिक होने वाले इरेक्शंस, वो इरेक्शन कम हो जाते हैं, नेचुरली ऐसा लगता है कि अपना छोटा हो गया। तीसरा जो मेन पॉइंट ऐसा है कि पेनिस के अराउंड आजू बाजू में, मतलब नाभि जो रहती है उसके नीचे बाजू में बहुत ज़्यादा फैट जमा होता है, सेंट्रल ओबिसिटी बोलते हैं। तो सेंट्रल ओबिसिटी मतलब सेंटर में ओबिसिटी, पेट बहुत बड़ा होता है, बहुत फैट जमा हो जाता है, नाभि के नीचे भी बहुत फैट जमा हो जाता है और उसमें फिर ऐसा लगता है कि लिंग छोटा हो गया। मतलब समुंदर के किनारे बालू है, रेत सैंड, और समझो एक लकड़ी हमने वहाँ खुपस दिया और उसके आजू बाजू में जमा कर दिया, वो रेत सैंड को जमा कर दिया। अब दिखने में वो दिख रही इतनी लकड़ी है, एक्चुअली लकड़ी कितनी, इतनी बड़ी है, तो वो बाजू कर दिया तो लकड़ी बड़ी दिखेगी। वैसे ही फैट का है, फैट बहुत जमा हुआ है तो लगता है कि लिंग छोटा हो गया। तो ये मेन कारण होते हैं लिंग छोटा दिखने के, एक्चुअली छोटा होता नहीं है। जैसे उम्र बढ़ जाती वैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं और स्पॉन्टेनियस इरेक्शन कम हो जाते हैं। देखने के बाद में भी, औरत देखने के बाद में, आसपास बैठने के बाद में भी इरेक्शन नहीं होते हैं तो लगता है कि अभी छोटा हो। मुझे बताने का है कि हस्तमैथुन करने से लिंग कभी छोटा होता नहीं है, मुट्ठी मारने से, हाथ से हिलाने से, मास्टरबेशन से लिंग छोटा होता नहीं है या उससे कुछ भी नुकसान होता नहीं है, नपुंसकत्व आता नहीं है, जल्दी गिरने का जो है वो होता नहीं है, हस्तमैथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। सपने में वीर्य जाने से लिंग छोटा होता नहीं है, पेशाब और संडास के समय वीर्य जाने से लिंग छोटा होता नहीं है। एक बार का लिंग बड़ा हो गया तो वो छोटा होता नहीं है, हाँ बड़ा हो सकता है मतलब इरेक्ट होता है वो संभव है, मगर वैसा नॉर्मली नेचुरली 1 इंच से कम होगा नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि कुछ लोग आते नहीं, अभी हमको तो लिंग छोटा ही है, कुछ ना कुछ करो, तो फिर हमको कुछ दवाई देते हैं, एकदम लो मात्रा में दवाई दिया तो क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस दिन भर में आते रहते हैं। हम बोलते हैं रोज दवाई खाओ,
तो स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आते रहते हैं, तो उसको लगता है हाँ लंबा हो गया, उसको लगता है कि ठीक हो गया, लंबा ही आ गया। फिर वो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इरेक्शन के लिए वो दवाई खाओ, मालिश करो, मालिश करके उसको ऐसा इरेक्ट करो और ऐसा बाहर खींचो, इरेक्ट करो और बाहर खींचो, रोज ऐसा करेंगे। तो हम बोलते कि आप गोली खाओ, ऑयल लगाओ, ऑयल लगा के उसको इरेक्ट करो और ऐसा बाहर खींचो, सब रोज ऐसा समझो बाहर खींचते हैं, इरेक्ट करते हैं, और रोज ऐसा 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसा बाहर खींचा, इरेक्ट रखा, हो तो सकता है कि 5-6 महीने बाद में, 1 साल बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ लंबा हो गया। क्योंकि आप यदि बार बार बाहर खींचते हो और उसको मसाज करते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी लंबाई बढ़ सकती है, गारंटी नहीं है। तो ये आप करेंगे तो डेफिनेटली इनकी लंबाई बढ़ जाएंगी, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो है वो बराबर है, जो है वो सही है, इसमें लंबाई बढ़ाने के कुछ भी दवाई अभी तक आई नहीं है कि उससे लंबाई बढ़ जाएंगी करके। तो ये दवाई के चक्कर में आने का नहीं है, मैं जैसा बोला वैसा नेचुरल ट्राई करके देखो, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।